खासी को क्या कहना चाहेंगे कि भाई आ रही है मूड बनाए हुए बहुत ही खबर। नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव। गर्दा उड़ा करके आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को भैया पूरा देखिएगा। आपको बता दें काराकाट से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जीत रहे हैं, और यदि पवन सिंह बाय चांस हार जाते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ भैया दोषी यदि होती है तो यह भैया वीना मानवी जी। जी हाँ, ये मेरा राय है, मेरा ओपिनियन है एकदम, क्या उनको ना ही बोलने का शऊर है, मैंने कोनो चीज का लूर नहीं है, भगवान मुंह दिया है, ये वो संस्था अपना चला रही है, अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को ले डूबता है, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ये बात काहे बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। आपको बता दें कि चुनाव ऐसा चीज है ना भैया, यदि आपका दुश्मन भी सामने खड़ा है ना तो दुश्मन को भी भैया आपको बोलना पड़ेगा, भैया जे भइल से भइल हमरे के वोट दिया, उनका भी पांव आपको पकड़ना पड़ेगा, उनके सामने भी आपको झुकना पड़ेगा, ठीक है ना, तब आप चुनाव जीत पाइएगा। बड़ा छोटा सबको ले दे के चलना पड़ेगा आपको, तब आपको दुनिया सपोर्ट करेगी, तब आपको पब्लिक पसंद करेगी, तब आपको पब्लिक वोट देगी, तब आप जीतेंगे, ठीक है। कहीं इंटरव्यू भी दे रहे हैं ना तो अच्छे से आपको देना पड़ेगा, अटपटांग कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, और ये अटपटांग जो है भैया वीना मानवी बोल दी है, क्या बोली है सुनिए। अब आप बताइए भैया, बीजेपी वाले अक्षरा सिंह को प्रचार कराने के लिए बुला रहे हैं पवन सिंह के खिलाफ में, तो अक्षरा सिंह का क्या गलती है सो बताइए, तुरते बोल दी अक्षरा आएगी तो भौजाई आएगी, ज्योति सिंह आएगी, हमारे मनोज तिवारी आ जाएंगे, रवि किशन आ जाएंगे, दिनेश लाल यादव निरहुआ आ जाएंगे, तब किसको उतारिएगा? अक्षरा सिंह उतरेंगी पवन सिंह के खिलाफ में तो उनको बीजेपी वाले बोल रहे हैं, तू तो भैया आना ही है उनको, खेसारी लाल यादव को बुलाएंगे बीजेपी वाले तो खेसारी लाल यादव भी आएंगे, अब उसको भी बोल दिया खेसारी लाल यादव पवन सिंह के खिलाफ में, तो वैसा नहीं होता है वीना मानवी जी, ठीक है, पहले बोलने का सीखिए क्या है नहीं है। आपको अक्षरा सिंह के बारे में बोला कि पूछा गया कि अक्षरा सिंह पूरा मूड में भी पवन सिंह के खिलाफ में आएगी प्रचार करने, तो आपको बोलना चाहिए कि ठीक है आएगी तो आएगी, उससे क्या बिगड़ जाएगा पवन सिंह का, ना अक्षरा सिंह आएगी तो हमें भौजाई आएगी, तो उधर से रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, मनोज तिवारी सब आएंगे, तब किसको उतारिएगा ये बताइएगा वीना मानवी जी। आप जिस तरह ज्ञान दे रहे हैं कि इधर से बोल दे कि ज्योति सिंह अक्षरा सिंह को हमारा घर बर्बाद यही की है यही की है, यदि उधर से जो अक्षरा सिंह यदि कुछ बोल दी तो फिर मिर्ची लग जाएगा आपको, अब मिर्ची लग जाएगा तो फिर आपको बड़ी झाल लगेगा, फिर आप खाली अक्षरे सिंह हर इंटरव्यू में कीजिएगा, उससे धूमिल किसका खराब होगा, पवन सिंह का। आप समझ लीजिए, उतना दिन से पवन खेसारी का विवाद चल रहा था, इलेक्शन आते आते दोनों एक हो गए, हुए ना, ज्योति सिंह पवन सिंह का उतना दिन से विवाद चल रहा था, इलेक्शन आते आते सब एक हो गया, और आप गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ रहे हैं, पुरानी बातों को ला रहे हैं चुनाव में आप, यही आपका संस्कार है, महिला मंच चलाते हैं, अब जो महिला में हुआ उसमें पवन सिंह का भी गलती होगा, अक्षरा सिंह का भी गलती होगा, जो होगा दोनों का, क्योंकि दोनों हाथ से ताली बजता है, हाथ से तो बजता है नहीं भैया, तो अक्षरा सिंह को ऐसे बोल देगी ज्योति सिंह हमारा घर बर्बाद करने वाली यही है, इस सबका अटपटांग फालतू इंटरव्यू मत दिया कीजिए आप, नहीं तो इससे पवन सिंह हारेंगे, जीतेंगे कभी नहीं, ठीक है। और पवन सिंह के टीम वाले से निवेदन है, इन लोग को रखिए प्रचार प्रसार में, इंटरव्यू वगैरह मत बनवाइए इन लोग को ज्यादा हीरो मत बनवा दीजिए आप लोग, बाकी आपका मन वृंदावन, आपको जो इच्छा लगे कीजिए, जो मेरा राय था मेरा ओपिनियन था वो मैं भैया बोलूंगा और मैं बोल दिया, पुराना मैटर कोई लोग चुनाव में ला रहा है, बताइए। अब अक्षरा सिंह को कोई बुलाएगा कि चलिए तनी प्रचार हमारा कर दीजिए तो अक्षरा सिंह नहीं आएगी है? अभी कौन है यहां पे, कुशवाहा जी यदि खेसारी लाल यादव को बुलाए काराकाट के लिए हमारा चुनाव प्रचार कीजिए तो खेसारी लाल यादव उनका प्रचार करेंगे, तब आप बोलिएगा ना पवन सिंह के विपक्ष में है तो भैया ये गलत बात है, ठीक है। जो भी बोलिए इंटरव्यू में, होश में, हवास में, ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ आलतू फालतू मत बोल दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको सभी लोग देख रहा है। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपका राय क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, आई लव यू, जय जय श्री राम।